लोगों को इस छोटी सी चीज़ के खाली फायदे ही दिखते हैं, और दिखे भी क्यों ना, क्योंकि भाई स्टोरेज बढ़ रही है, मस्त अपनी गेम वेम स्टोर कर लो, मूवी स्टोर कर लो, और जितनी मर्जी उतनी कर लो। बट एक्चुअली इसके साथ थोड़ी दिक्कत भी है, एक्चुअली दिक्कत पे ही है, साकिर खान की याद आ गई। ठीक है, चैट नहीं हो रही, चैटें हो रही हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है श्लोक, आप देख रहे हैं टेक बर्नर, और चलिए शुरू करते हैं। तुम सब लोग यार अब चोर चोर मत बोलना, गलती से निकल गया, और ये लाइट थोड़ी साइड कर दो यार। तो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ है स्पीड। ऑफकोर्स ये बात है, अगर मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहे हो आप तो उसमें लाइक स्पीड कम होगी एज कम्पेयर टू इंटरनल मेमोरी। कभी आपने नोटिस करा है आईफोन खाली 64 GB स्टोरेज बढ़ाने के आपसे 10,000 रुपये ले लेते हैं? वो एक्चुअली इसीलिए होता है क्योंकि एप्पल और ज़्यादातर बड़ी कंपनीज और महंगे फोन बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं अच्छी क्वालिटी की स्टोरेज प्रोवाइड करने में, और ये इतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना आपका प्रोसेसर भी होता है। तो अगर घटिया क्वालिटी की स्टोरेज लगी और एकदम लाइक टॉप एंड का प्रोसेसर लगा है तब भी आपको दिक्कत होगी गेम खेलने में। ऐसी बात है कि मैंने अगर किसी फास्ट स्टोरेज वाले डिवाइस में पबजी इंस्टॉल कर रखी है और एक नॉर्मल वाले में, तो नॉर्मल वाले में जब तक मैं पबजी खोलूंगा तब तक इसमें गोली खा के मर भी चुका हूँ। बट ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें अगर आप मेमोरी कार्ड में डेटा स्टोर करते हैं, जैसे गैलरी एप्लीकेशन है, अपने अपनी सारी फोटोज़ या वीडियोज़ अगर आपने मेमोरी कार्ड में स्टोर कर रखी हैं और मेमोरी कार्ड अच्छा फास्ट नहीं है, तो आपकी गैलरी लैग करने लगेगी और आपकी जो वीडियोस हैं उसमें बफरिंग होने लगेगी, और आप सोचेंगे लाइक इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, बफरिंग कैसे हो रही है? तो हाँ, वो आपके फ़ोन के वजह से। और ज़्यादातर लोग ऐसे केसेस में अपने फ़ोन को गाली देने लगते हैं कि भाई ये सैमसंग का फ़ोन है घटिया है, या फिर ये शाओमी का फ़ोन है और ये स्लो चल रहा है। वो उनको पता ही नहीं चलता है जो मेमोरी कार्ड उन्होंने लगा रखा है एकदम सस्ता 200 रुपये का मेमोरी कार्ड है, और उसकी वजह से आपका फ़ोन लैग मार रहा है। इसको फिक्स करने के जो तरीके हैं वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो तब तक देखते रहना, वॉच टाइम भी बढ़ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। एक बात और आपको नहीं बताओगी अपने मेमोरी कार्ड के बारे में, अगर उसको आप ऐसे हाथ में निकाल के उंगली से ऐसे टच करके अगर आप नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक सब्सक्राइब बटन होगा उसके बाद ऐसे करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, वो बटन ग्रे हो जाएगा और मेरा एक सब्सक्राइबर टूट जाएगा। दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं, अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अगर आपके शहर में मेट्रो नहीं है, ट्रेन या कार या कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, अगर थप्पड़ मार के आपका फ़ोन ले जाता है और आपके फ़ोन में मेमोरी कार्ड था, तो आपका सारा डेटा देख सकता है, और जितनी भी आपने प्राइवेट इमेजेस बाथरूम में ली होंगी या जहाँ भी लेते रहते हो वो सब वो चोर आराम से देख पाएगा, और उसमें आपका लाइक प्राइवेट बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और मेमोरी कार्ड से डेटा हैक होने के भी थोड़े ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि उसमें एनक्रिप्शन नहीं होता है। एनक्रिप्शन लाइक सुनने में तो बड़ा सा वर्ड रहता है, एक्चुअली कुछ नहीं होता है, ये एक पासवर्ड सा लगा देता है, आप ऐसा सोच लो, मतलब बिना पासवर्ड के आप कोई भी डेटा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादातर अच्छे फ़ोन्स में और अभी जितने भी नए नए फ़ोन्स आ रहे हैं सब में इनक्रिप्शन होती है, तो अगर आपका फ़ोन खो भी जाता है तो वो यूज़ नहीं कर पाएगा अगर डेटा इंटरनल मेमोरी में। बट माइक्रो एसडी कार्ड में तो फिर तो आपको अपने फेसबुक फीड पे नंगी नंगी फोटो देखने के लिए मिलेंगी अपनी। और आप में से कुछ लोग जरूर कमेंट करेंगे कि भाई एसडी कार्ड भी हो जाता है इनक्रिप्ट यार, ऐसा नहीं होता है रूट करके डीकोम्बल? एक्चुअली हो जाता है एसडी कार्ड इनक्रिप्ट, बट उसमें फ़ायदा क्या, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, और जो मेन पर्पज़ है एसडी कार्ड का स्टोरेज करना, उसको ही करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जिसने मैन्युअली जाके अपना एसडी कार्ड इनक्रिप्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर डाला। तीसरा जो पॉइंट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनल मेमोरी अच्छी क्वालिटी की होती है और इसमें करप्शन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और माइक्रो एसडी कार्ड में मैं अपने पिछले 6 महीने में आराम से 3 से 4 एसडी कार्ड और माइक्रो एसडी कार्ड करप्ट कर चुका हूँ, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई रिस्क रहता है करप्शन का। और अगर आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि आपने एसडी कार्ड करप्ट नहीं करा और ऐसा हादसा अभी तक तो नहीं हुआ है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, काफ़ी ज़्यादा केसेस में ऐसा होता है आपका एसडी कार्ड करप्ट होता भी है और आपको पता भी नहीं चलता है। इसका कुछ कुछ पार्ट या कुछ कुछ सेक्टर्स जो होते हैं एसडी कार्ड के वो ख़राब हो जाते हैं, और इसकी वजह से कुछ कुछ फाइलों में आप बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड देखने के लिए मिलेगी आपको। और अगर आपने गैलरी ओपन करी है तो खाली एक फाइल अगर करप्ट हो गई है तो पूरी गैलरी एप्लीकेशन स्लो चलने लगी, और ऐसा सेम गेम्स के साथ भी होता है और काफ़ी सारी एप्लीकेशन के साथ भी होता है। और ये बहुत ही बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपको महंगे फ़ोन में एसडी कार्ड वाला फीचर देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी एक घटिया से मेमोरी कार्ड की वजह से आपका पूरा फ़ोन स्लो हो जाए और आप कंपनी को गाली देते फिर। तो लास्ट वाला पॉइंट हम सबको काफ़ी अच्छा लग सकता है, और क्योंकि ये है पायरेसी। और ये बहुत ही बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादातर कंपनीज़ माइक्रो एसडी कार्ड्स प्रेफर नहीं करती हैं, क्योंकि अगर आप माइक्रो एसडी कार्ड डालते हैं तो इससे पायरेसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आपने एक बात नोटिस करी होगी, आईफोन में भी ब्राउज़र से डाउनलोड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, और गूगल में भी अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप खाली अपनी इंटरनल मेमोरी में कर सकते हैं, उसकी चेंज करके उसको आप माइक्रो एसडी कार्ड नहीं कर सकते, और ये जानबूझ के करता है गूगल और एप्पल। आप जा रहे हैं अगर मेमोरी कार्ड खरीदने तो आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। सबसे पहली बात तो आप जो कार्ड खरीदेंगे वो क्लास 10 का खरीदेगा, तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें 10 सर्कल में एक लिखा हुआ है, और इसका मतलब ये होता है कि ये क्लास 10 का एसडी कार्ड है, मतलब ये फास्टेस्ट एसडी कार्ड है, और इसमें जो स्पीड आएगी वो 80 to 90 Mbps रीड और राइट स्पीड आएगी।
तो ऐसा मेमोरी कार्ड खरीदेंगे तो स्लो होने के चांसेस कम रहते हैं फोन के। इसके साथ मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आप डेटा रखते हैं अपने मेमोरी कार्ड में, वो ऐसा डेटा रखिए जिसको आप कम से कम यूज करें। तो अगर आप मूवीज रखते हैं, फोटोज रखते हैं पुरानी, तो बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो आप मूवीज रख सकते हैं जो आप देख चुके हैं या देखने वाले हैं, आप फोटोज रख सकते हैं जो आपको सेव करनी है, और ऐसी छोटी छोटी चीजें या फिर डेटा कोई हो आपका, डॉक्यूमेंट्स हो या फिर ऐसी बहुत सारी फाइलें होती हैं जो आप बहुत ही कम यूज़ करते हैं बट उनकी ज़रूरत रहती है फ़ोन में। और अगर आपको किसी गेम का डेटा या एप्लीकेशन का डेटा स्टोर करना है अपने फ़ोन में, तो प्रेफर करिए उसको इंटरनल मेमोरी में स्टोर करने की, क्योंकि उससे एप्लीकेशन के स्लो होने के थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं। और अगर आपको SD कार्ड यूज़ करना ही है, लाइक एकदम फिक्स है कि SD कार्ड में ही सारा डेटा स्टोर करना है, तो उसको फॉर्मेट कर लीजिए एज इंटरनल मेमोरी। तो गूगल उसको ऑप्टिमाइज कर देता है हल्का सा, और लाइक ये बेस्ट वे रहता है मेमोरी कार्ड को यूज़ करने का। बट उससे क्या रहता है, आप इस SD कार्ड को कहीं और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आपको रीफॉर्मेट करना पड़ेगा अगर आपको उसको नॉर्मल मेमोरी यूज़ करना चाहते हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर करना है इस चैनल को, और मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलता हूँ। बाय।